अभी का प्रोग्राम ऐसा है कि हम त्रिवेणी घाट से निकल गए और किसी ने बताया कि यहाँ वीरभद्र का मंदिर है जहाँ पे शिवरात्रि का प्रोग्राम चल रहा है पूरी रात के लिए, तो वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं क्या प्रोग्राम है। और वहाँ पे ना मेला भी लगा हुआ है, तो वहाँ पे जाते हैं और वो चीज़ इंजॉय करते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं। अभी हैं रास्ते पे ही, आप देख सकते हो, तो रुका और सोचा अपडेट कर देता हूँ, तो चलते हैं अब आगे फटाफट। तो पहुँच चुके हैं वीरभद्र मंदिर, इधर मंदिर है और यहाँ हमने बाइक पार्क कर दी है अपनी, तो चलते हैं अभी मंदिर और फिर आपको मेला दिखाएंगे, मेला भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी मंदिर दिखाता हूँ, पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। ये देखो ये है मंदिर यहाँ पे। 11:30 बज चुके थे और मंदिर का कपाट बंद हो चुका था क्योंकि अंदर भोलेनाथ का हो रहा था महाशिवरात्रि के लिए श्रृंगार, और तब तक के लिए हम निकल गए पास ही लगा मेला घूमने के लिए। तो अभी मेले में आए थे, मेले में कुछ ज्यादा खास तो बचा नहीं है, पीछे पूरा मेला वहाँ बंद हो चुका है एक तरह से, और सिर्फ एक ये वाला झूला चल रहा है जो आपको दिखाया मैंने। बट अब चल रहे हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर मंदिर जाएंगे। तो जी अभी मेला घूम के आ गए और ना खाना नहीं मिला हमें कुछ भी, तो अभी जा रहे हैं मार्केट के साइड डिनर करने के लिए, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी है। अभी वापस मंदिर के पास आए हैं बाइक उठाने के लिए और फिर जा रहे हैं हम डिनर करने के लिए। इतनी रात होने के बावजूद एक जगह हमें ढाबा मिला जहाँ हमने पेट भर के भोजन किया। उसके बाद जैसे ही हम मंदिर वापस पहुंचे तो मंदिर का रंग रूप बिल्कुल चेंज हो चुका था। वहां पे सभी लोग भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो रखे थे और आरती चल रही थी, लोग नाच रहे थे, तो आप देखो जरा क्या ही माहौल हो गया था। मंदिर जिस टाइम हम पहुंचे थे उस टाइम बिल्कुल खाली था और अभी बिल्कुल माहौल चेंज था। इस पल को हम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे और हमने भी वहाँ पे आरती में भाग लिया और बहुत अच्छे से हमने एंजॉय करी महाशिवरात्रि की रात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश। और अभी हम दोबारा आए हैं त्रिवेणी घाट और अभी टाइम हो रहा है 2:20 और ये रात के 2:20 है, क्योंकि हम जहाँ पे थे जिस मंदिर पे थे वहाँ पे 12 से ही दर्शन मतलब माथा टेकना स्टार्ट हो गया था। तो अभी हम त्रिवेणी घाट इसलिए आए हैं क्योंकि हम स्नान करेंगे और यहाँ से जल उठाएंगे और नीलकंठ जाएंगे आज। तो अभी मतलब ये है कि ट्रैवल चालू हो गया है और हमें थोड़ा सा जल्दी था इसलिए मतलब इतनी जल्दी हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि पूरी रात तो हम सोए नहीं जैसे कि मैंने बताया था। सो फाइनली अभी पहुँच गए हम नीलकंठ और अभी जा रहे हैं मंदिर, तो देखते हैं मंदिर का क्या रहता है सब। और ना बाइक चलाते हुए इतनी ज़्यादा नींद आई है ना, बहुत ही ज़्यादा नींद आई है, कितनी बार तो झपके आ गई। मनु तो गिरने से बचा, इसे भी नींद आ रही थी, मनु गिरने से बचा। ओए क्या हुआ था, खतरनाक ही नींद आई थी, इसे गिर गया था, ये बच गया भाई। तो अभी चलते हैं मंदिर दर्शन करते हैं फटाफट। और ये देख सकते हैं आप भाई, भीड़ यहाँ भी अच्छी खासी हो रखी है, काफ़ी लोग पहुँचे हुए शिवरात्रि में। और अभी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के रास्ते हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं, दर्शन करते हैं फिर। अभी अंधेरा है तो रास्ते में कोई वीडियो नहीं बनाई, बहुत ही अंधेरा हुआ है। 5:06 हुए हैं अभी, हम निकले थे वहाँ से कितने बजे मनु, 3:30 के बाद हम निकले थे त्रिवेणी घाट से। तो प्रसाद ले लिया हमने और गंगा जल हम त्रिवेणी घाट से लाए थे। तो जी दर्शन हमारे हो गए, अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो अंदर की हमने कोई भी फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं करी और दर्शन काफ़ी अच्छे रहे। थोड़ा सा हमारा कंफ्यूज हो गए थे हम कि रास्ता वगैरह कहाँ से है, तो आप लोग आ रहे हो तो पूछ लेना किसी से। और उसके बाद हमने मंदिर से निकलने के बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, पकौड़े वगैरह खाए हैं, तो इसने पता नहीं कैसे पकौड़े मंगाए थे यार,
छितड़ा करने बैठे और अब जा रहे हैं बाइक स्टैंड पे जहाँ हमने बाइक पार्क करी थी। 2 किलोमीटर यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है और सुबह तो मैं दिखा नहीं पाया था, ये कुछ मार्केट है इस टाइप की। इस साइड से हम आ रहे हैं उधर से मंदिर, और ऐसा कोई मंदिर ना विजिबल नहीं है, काफ़ी मतलब बिल्डिंगों के बीच घिरा हुआ है, तो मंदिर की भी वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे। तो ये मार्केट है और ये तो इंसान पता नहीं क्या ही है, समझ से बाहर इंसान है, समझ से बाहर है। तो नीलकंठ के दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गए। एक्चुअली मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं क्योंकि अंदर मंदिर के परिसर में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड भी नहीं है, और बाहर से भी ना मंदिर बहुत ज़्यादा ना बिल्डिंगों से घिरा हुआ है जिसकी वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और थोड़ा अंधेरा भी था। जल्दी आए थे हम लोग ताकि नंबर जल्दी लग जाए दर्शन के लिए और हम वापस जल्दी चले जाएँ क्योंकि अभी वापस ना हरिद्वार जाना है हमें। अरे भाई साहब, अभी आगे की अपडेट बताता हूँ मैं आप सभी को। अभी जाना है हमें यहाँ से डायरेक्ट अब हरिद्वार, वहाँ से जल उठाना है अपने शिव मंदिर के लिए, जो हमारे घर के पास शिव मंदिर है वहाँ के लिए, और वहाँ जल चढ़ाने जाना है। तो वो वाला पार्ट भी मैं इसी वीडियो में ऐड करूँगा, आप लोग ज़रूर देखना। छाती पर चढ़ा दे। बुलेट ठुक गई। भाई की बुलेट ठुक गई यार। किसके साथ ठुक गई है? अभी आ रहे थे हम नीलकंठ से नीचे की तरफ वापस और हमें मिला एक भंडारा, बट उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ मेरे कपड़ों का हाल देखो आप। तो भंडारे में हमने खाना खाया और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। भंडारे में खाना खाने के बाद हम निकल पड़े ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ क्योंकि हमें हरिद्वार जाके जल चढ़ा के शिव मंदिर के लिए जल लाना था। और हम मैंने बीच में व्लॉगिंग नहीं करी और उसके बाद हम सीधा पहुंचे अपने शिव मंदिर, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, लगता है बहुत ही सुंदर मेला। और मंदिर आप सभी को जल्दी दिखाता हूँ, अब भीड़ देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी थी और मेला इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। इंजॉय तो हम उतना मेला नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उसके बाद हम फटाफट मंदिर पहुँचे, मंदिर में हमने दर्शन करे, भोलेनाथ के दर्शन करे। आप जरा वो चीज़ इंजॉय करो। अगर आप शिव मंदिर आ रहे हो तो यहाँ पे आके आप पालकनाथ के दर्शन जरूर करें, और उसके बाद थोड़ा सा ट्रैक है, छोटा मोटा ट्रैक है, ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है। आप पहुँचोगे महागौरी मंदिर, तो आप महागौरी मंदिर के भी वहाँ दर्शन जरूर करना। इस तरह का कुछ हमारा शिवरात्रि भी था, और आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, रिस्पेक्ट योर फैमिली, रिस्पेक्ट योर कंट्री, बाय।